देवभूमि स्वर्ण समाज संगठन के कार्यकर्ता शिमला में टूटी कंडी क्रॉसिंग पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान संगठन के अध्यक्ष रुमित ठाकुर ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बात करने नहीं आए तो 3 घंटे बाद शिमला के लिए कुछ किया जाएगा। वहीं यातायात की बात करें तो शिमला 4 घंटे से यातायात पूरी तरह से बंद है। बालूगंज से MLA क्रॉसिंग की तरफ वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। शिमला चंडीगढ़ और शिमला मंडी हाईवे पर 2 घंटे से यातायात पूरी तरह से बंद है। मुख्यमंत्री आवास ओक ओवर के बाहर भी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। संगठन के अध्यक्ष रुमित ठाकुर ने चेतावनी देते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं की गाड़ियों को टूटी कंडी क्रॉसिंग तक आने से न रोका जाए, जो जबरदस्ती की तो हिंसक होने को मजबूर हो जाएंगे। मीडिया के माध्यम से ये जो ये भाजपा का राग लापते रहते हैं, हिंदुत्व का राग लापते रहते हैं, ये कमल का फूल खिला के ये जो भगवा भगवा करते रहते हैं, आज जिन गाड़ियों के ऊपर भगवा झंडा लगा है उनकी ये गाड़ियां पॉइंट कर रहे हैं, उनके चलान कर रहे हैं, उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, गाड़ियों की तलाशियाँ की जा रही कि भैया भगवा झंडा तो नहीं है, भगवा झंडा होगा तो उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको हरासमेंट उनके साथ की जा रही है। इस तरीके का हिंदुत्व भाजपा वालों को 62 लाख राजपूतों ब्राह्मणों वैश्यों, मैं तुम लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये जो ये भाजपा कांग्रेस वाले कमल के फूल और ये हाथ वाले, ये स्वर्ण विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, भगवा विरोधी हैं, केसरिया विरोधी हैं। इनको सिर्फ अपने वोट बैंक से मतलब है, वोट बैंक मिलता भाड़ में जाए जनता, इनका वो हिसाब किताब है। अब समय आ गया है कि इनकी जड़ें उखाड़ के यहाँ से बाहर फेंकी जाए, इन लोगों का इस लोकतंत्र के मंदिर में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। वहीं पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस मंडी हमीरपुर और अन्य जिलों से आने वाले वाहनों की जतोंग में चेकिंग कर रही है। वहीं सोलन से आने वाले वाहनों की शोधी में चेकिंग की जा रही है। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।